नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए शूटआउट का मुख्य आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर स्क्रिप्टेड बताया जा रहा है। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के अब तक जितने भी अधिकारियों का बयान आया है, उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दिए। विभाग के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मीडिया के सामने आए और उन्होंने भी सिर्फ इतना ही कहा जितना पुलिस कह रही है। ADG प्रशांत कुमार ने 2-3 जुलाई की रात को हुई घटना का जिक्र किया। उन्होंने विकास पर दर्ज केस की धाराएं गिनाई और उसके अरेस्ट के बारे में बताया। ADG ने कहा कि उसे मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने अरेस्ट किया था। वहां से उसे STF और पुलिस कानपुर ला रही थी। सुबह लगभग 6:30 बजे पुलिस की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। इस दौरान विकास दुबे ने घायल पुलिस वाले की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे घेर कर सरेंडर करने को कहा, लेकिन वह नहीं माना। उसने पुलिस पर फायरिंग की। विकास दुबे पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और उसमें वह घायल हो गया। उसे अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ADG ने बताया कि उसकी फायरिंग में 2 STF के सिपाहियों समेत 4 पुलिस वाले घायल हो गए। प्रशांत कुमार ने बताया कि शूटआउट मामले में नामजद अपराधियों में से 6 मारे जा चुके हैं, 3 गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 7 लोगों को पुलिस ने षड्यंत्र की धाराओं में जेल भेजा है। उन्होंने बताया कि अभी 12 वांटेड अपराधी फरार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।